नमस्ते दोस्तों, महेश पाटिल पुणा। आज हम सीखेंगे एआर हाई प्रेशर जो मॉडल है अपना RK-15-20H, इसका असेंबली। पहले मैं आपको सब स्पेयर पार्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये बोल्ट सब है, उसके बाद में ये वाटर सील है जिसका नंबर है 1857, उसके बाद में है 1855, ये ऑयल सील है। तो ये सब इसके असेंबली है। ये कनेक्टिंग, तीन कनेक्टिंग, ये क्रैंक, ये तीन पिस्टन जो सिरेमिक पिस्टन रहता है ये, और उसके ये सील किट के वॉल्स जो इसके अंदर वॉल सील बैठेंगे। ये है मेन बॉडी, इसके अंदर ये तीन ऑयल सील आएंगे यहाँ पे। तो वो मैं अभी दिखा देता हूँ कैसा बिठाना है। अभी ये मैं रख दिया है। इसके अंदर बैठने वाला एक स्लीव लीजिए और थोड़ा सा इसको ये बैठ गया। ऑयल सील सेकेंड, वही सेम प्रोसेस। थर्ड वाला यहाँ पे ये सील किट बैठ गया अपने। थोड़ा सा ठोकना पड़ता है और प्रॉपरली बैठने के लिए बिठा दिया। ये मेन बॉडी है। अभी इसमें हम लोग ये जो क्रैंक है, इसको क्रैंक बोला जाता है, तो इसका ध्यान रखिए डायमीटर कहाँ से घूमने वाला है। तो ये बिठाने के पहले हम लोग ये जो कनेक्टिंग है इसके अंदर डाल देते हैं। सेम जो है एक दो और ये तीन, यहाँ पे ये तीन कनेक्टिंग इसके अंदर अपन ने डाल दिए। ये बैठ गया, एक दो तीन। अभी इसमें हम लोग कनेक्ट क्रैंक जो है इसके अंदर फंसाएंगे। थोड़ा सा ये रहता है, एक के बाद फिर उसके दूसरों इसमें डालना पड़ता है इसको, और फिर उसके बाद में ये तीसरा भी है उसके अंदर कनेक्ट करना पड़ता है। फिर उसके बाद में ये तीसरा जो है इसके अंदर ला रहे हम लोग। ये ऐसा इसका कनेक्टिंग हमने इसके अंदर डाल लिया है क्रैंक, ये बैठ गया। फिर उसके बाद में ये घुमा के अपने को इसका जो बेरिंग है वो लगाना पड़ेगा। ये लगा लिया। यहाँ पे अपने को ये बेरिंग कवर्स है,
जिसके अंदर रोलर बेयरिंग बोला जाता है, ये इसको एक ओरिंग रहता है, ये ओरिंग निकाल दीजिए। नया ओरिंग जो है किट के अंदर आता है, ये लगा लीजिए। अभी ये जो बेयरिंग है पहले इसको ठोक देना है आपको, ये बैठ गया। उसके बाद में यहाँ पे एक ऑयल सील आता है, ये ऑयल सील हमने लगा लिया है, इसी में भी सेम वही बेयरिंग है ऐसे ही, जो उसको इसको भी प्रेस करके रख देना है। ये थोड़ा सा लूज रहता है, ये चला जाता है इजीली, थोड़ा सा ठोकिए इसको। वही सेम फंडा इसके नीचे वॉशर, और छोटा सा एक रॉड लेके इसको अंदर ढक लेना है। ये बैठ गया बेरिंग, दोनों साइड बेरिंग आ गए हैं। अभी ये जो कवर है इसके लिए गैस्केट है, दो गैस्केट रहेंगे, इसको बराबर मैच कर लीजिए, क्योंकि इसको एक खाँचा दिया रहता है। ये और ये सब मैच करके आप लगा सकते हो। ये लगा दिया, ये जो साइड है ये हम लोग पहला फिट कर लेंगे। लेवल मैच कर लीजिए, फिर थोड़ा सा एक हाथ से उठा के, सॉरी, ये जो है थोड़ा सा टैपिंग करना पड़ता है क्योंकि ओरिंग नहीं आया अभी इसमें। ये बैठ गया, एलन की बोल्ट है, एलन बोल्ट यहाँ पे बैठेंगे, दो और दो चार, अभी ये साइड से जो है जहाँ पे अपना फ्लाई है इसके अंदर भी हम लोग ओरिंग इसका बदली करेंगे। ओरिंग किट में आपके पूरे ओरिंग्स दिए जाते हैं नए, तो ये एक ओरिंग बदली कर दे रहे हैं हम लोग। और ये जो है अभी ये थोड़ा सा रिस्की है, इसके अंदर ऑयल सील रहता है, तो देखिए सब लेवल मैच होना चाहिए और इक्वली टैपिंग करते करते जाइए। ये बैठ गया, एलन बोल्ट सेम, थोड़ा सा लेवल मैच कीजिए। एलन बोल्ट चार और चार आठ बैठेंगे, इसको एलन की से जो है सब टाइट कर देना है। छह एमएम का एलन की बैठेगा इसको, इक्वली टाइट कीजिए।
हमने टाइट कर लिया। फिर इसका पीछे का कवर जो है ये घूम रहा है कि नहीं वो देख लीजिए पहला। थोड़ा सा टाइट रहेगा क्योंकि ऑयल सील है, नया ऑयल सील डाला हुआ है। ओके, ये हाथ से घूम रहा है। इसके लिए एक और एक प्रोसेस है जो इसका व्हील लगा के हाथों से ये इजी घूमना चाहिए। ये वर्किंग हो रहा है। अगर ये जाम जा रहा है तो पहले ही एक बार चेक कर लीजिए। ये इसका कपलिंग है। अभी यहाँ पे जो है अपने को यहाँ पे अभी सिरेमिक प्लंज पिस्टन जो है वो बिठाने हैं। तो ये तीन वॉशर है इनके, तो ये पहला लगा दीजिए अंदर। ये तीन वॉशर हमने बिठा लिए कॉपर पीतल के। फिर ये अपना ये सिरेमिक, ये इसको प्लंजर पिस्टन बोला जाता है, पिस्टन प्लंजर ये दोनों साइड से बैठेगा। थोड़ा सा इसको क्लीन करके फिर इसके ऊपर इसको प्रेस कर दीजिए, ये बैठ गया। सेकंड सेम प्रोसेस, सेकंड प्लंजर प्रेस अंदर, तीसरा सेम प्रोसेस अंदर उसको ढकलना है, थोड़ा सा ट्विस्ट करिए अंदर जाएगा। फिर यहाँ पे इसके ऊपर कॉपर वॉशर रहते हैं, इनको लगा दीजिए, एक दो तीन। इनके नट्स रहते हैं, ये नट्स को लॉक करने के लिए लॉकटाइट बोल के जो है 290 ये ग्रेड है इसका, थोड़ा सा अप्लाई कीजिए इसके ऊपर, थोड़ा सा ही, ये ज़्यादा नहीं लगाना है। ये लगा दिया और इसको लगा दीजिए। ये थ्रेड जो है ये थ्रेड सीलेंट का काम करता है लॉकटाइट, इसको लगा के थोड़ा सा बाद में टाइट कर देना है। ये हो गया अपना एयर पंप का मेन वॉल बॉडी जो रहता है, जो मेन क्रैंक केस उसका फिटिंग। सेकंड पार्ट में हम लोग उनका वाटर सील जो है यहाँ पे कैसा बैठता है और पूरा बॉडी कैसा बैठेगा वो सेकंड पार्ट में हम लोग दिखाएंगे। अभी के लिए अलविदा।